आज हम लोग बिल्कुल भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो आप करोड़ों दफ़ा हर इंटरव्यू पे बात कर चुकी हैं। आज मैं बहुत ही एक ऐसा बॉडी शेमिंग इज़ द टॉपिक एंड आई हैव गॉन थ्रू इट। मुझे पूरी ज़िंदगी लोगों ने किया कि ओ हेल्दी है, ओ चबी है, ओ यू नो चीक्स इसके कितने क्यूट हैं, और हद तक कि मेरी अपनी अम्मी ने और मेरे अपने अब्बू ने मुझसे कहा कि ये मत खाओ मोटी हो जाओगी। एवरीबडी इज़ सो वरीड अबाउट मोटी हो जाओगी एंड आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू। आपने तो फिल्म की सब हर लड़की, बल्कि आजकल तो हर लड़का भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुका है। क्या आप समझती हैं कि बॉडी शेमिंग होनी चाहिए या नहीं? थैंक यू कोमल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन इनलाइटन दिस इतना एक अमेजिंग टॉपिक जिसपे लोग कहते तो हैं मगर बात करना पसंद नहीं करते और उसकी डिटेल में नहीं जाते। उसकी रीज़न ये है कि बॉडी शेमिंग बेसिकली हमारे घरों से शुरू होती है। बिल्कुल। The brought up we have, the like you know, the upbringing we all mostly have. जी पाकिस्तानी जो कल्चर है हमारा, जो हम लोग जिस तरह से जिस जगह पे रहते हैं, अगर आपके घर में लकीली नहीं है तो यू माइट हैव सीन आपके नेबर में या कहीं कम अक्रॉस आपने देखा होगा। और बच्चों के कॉन्फिडेंस में कितना फर्क होता है जिनके घर में जो है उनको हमेशा बोला जाता है कि भाई तुम खूबसूरत हो, जैसी तुम हो वैसी तुम खूबसूरत हो। ऐसा जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में हम अब चेंज हो रही हैं, एडवांस एजुकेशन आ रही है, वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हाउ टू यू नो वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप अपना पर्सनल जर्नी बताएं, आपने अपनी, क्योंकि आपकी तो इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बहुत हार्श है और बहुत सख्त है इस मामले में, आपने कैसे डील किया? आई थिंक मेरे मुताबिक तो बॉडी शेमिंग इज़ नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग, इट्स फ्लरिशिंग। रियली? यस। यानी अब वो इंडस्ट्री में और प्रॉब्लम होती जा रही है? नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री, आई गेस ओवरऑल शोबिज इंडस्ट्री इन फैक्ट। और अब जैसे मैंने आपको बोला है कि ये बहुत डोमेस्टिक एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर एक के साथ होता है। ये मेरी बेटी ज़रा मोटी है। हाँ, ये मेरी बेटी जो है जरा काली है। आप प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइक बच्ची अगर 10 साल की है तो या 9 साल की है, स्कूल गोइंग है, और लेकिन वो अंडरस्टैंड कर सकती है कि ये मैं तो काली हूँ, मैं तो मोटी हूँ। वही उसका कॉन्फिडेंस खत्म। एग्जैक्टली। तो उसी के साथ उसका माइंड जो है वो ग्रो करता है उसकी एज के साथ साथ। बिल्कुल। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो हर अच्छे पतली फिगर वाली को देख के जेलस होती है एंड देन शी स्टार्ट डूइंग बिकॉज शी इज शी स्टार्ट डूइंग यू नो द सेम थिंग टू वर्ड अदर्स। या और ये मैंने मोस्टली देखा। इनफैक्ट जो औरतें इवन एक सर्वे के मुताबिक 32% औरतों जो कि दो दे ऑलरेडी फेस्ड बॉडी शेमिंग जिसको हम कहते हैं इंसल्ट ओवर योर फिगर। आपकी बॉडी के ऊपर अगर आपको कोई इंसल्ट करता है दैट कॉल बॉडी शेमिंग। जो खुद फेस करके आई होती हैं वो खुद ये सब रिपीट करती हैं, करते हैं, आई मीन लाइक ओवरऑल पीपल। लेकिन उनकी आई फील के अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज मीडिया, एज इन्फ्लुएंसर्स। अब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। मैंने 2-3 सेलिब्रिटीज़ को अपने शो के लिए इस टॉपिक पे बुलवाया, वो नहीं आना चाह रही थी क्योंकि वो नहीं बात करना चाहती हैं इस बात, जबकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और वो बहुत ही स्लिम हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं। बिकॉज दे आर नॉट हील्ड। एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो बातों का होता है ना, इट्स क्वाइट डेंजरस वेपन आई कॉल। आप किसी को मुक्का मार के जितना जख्मी नहीं कर सकते जितना आप किसी को किसी लफ्ज से, किसी अपने अल्फाज से उसको ब्रूटली इंजर्ड कर सकते हैं, और वो सारी जिंदगी वो जख्म रहता है। वो जो चोट है ना, क्योंकि मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू विद लाइक लॉट ऑफ फेसेस ऑफ माय वर्क यू नो अकॉर्डिंग टू माय वर्क एज वेल रादर देन लाइक जैसे कि हम कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मैं अपने घर की जो एक जो मेरी लाइफ है जो कि शो बिजनेस के अलावा है वो भी उसके अंदर भी मैंने आई फेस्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड आई फेस्ड एंड आई हैव सीन ऑल्सो। सना, मैं आपको बताऊँ, मेरे जिनसे मेरी शादी हुई हुई थी उनका कॉन्स्टेंट पेट जुमला ही यही था कि तुम तो मोटी हो, जबकि मेरा जो वेट है वो बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल रेंज में है। मैं इतनी फिट हूँ, मैं रोज़ 6 किलोमीटर भागती हूँ, ओके, और लेकिन चूंकि मैं कांकड़ी नहीं हूँ, मेरी हड्डियाँ नहीं निकली हुई हैं, मैं हेल्थी हूँ।
आई मीन इजंट इट मोर इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्थी हों और आप खुश हों और आप कॉन्फिडेंट हों तो आपके चेहरे पे ग्लो आए, तो आप आपके पर्सनल लाइफ में आपने ये exactly मैं क्लियर भी करना चाहूंगी थ्रू माय एक्सपीरियंस के फिटनेस हर एक के लिए डिफरेंट इम्पैक्ट लाती है. एग्जैक्टली हर एक के लिए एक इम्पैक्ट नहीं होता. सम पीपल चेंज देयर बॉडी शेप, सम पीपल चेंज देयर लाइफ स्टाइल, एंड सम पीपल एक्चुअली चेंज देयर DNA. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. DNA मीन्स कि आप अपने आप को मेंटली चेंज कर देते हैं. यू चेंज योर माइंड सेट, यू चेंज योर अप्रोच टूवर्ड लाइफ. तो आप क्या कहती हैं कि अब इस सोसाइटी में माइंड सेट चेंज लाना इन बॉडी शेमिंग, what can we do, what can the average woman do? basically ye cheez start aapki jab aap grow up kar jate hain, when you start knowing everything, when you start feeling, ye tab nahi hoti, ye kahin chhota sa pauda laga hota hai. ye aapke kisi bachpan ki koi aisi story hoti hai, koi aisa event hota hai jisse ya to aap bad ban jate hain ya aap good ban jate hain, rather than to body shame someone, to become the victim someone, yeah, victimize to yourself someone. yeah, haan. or become so, a victim to herself. become victim yourself. to ye sari cheeze jo changes hain ye bahut kehne mein bahut aasan hai ki agar main aapko bolun ki nahi nahi aisa follow kare to aisa follow kare aap jaye, but mera matlab ye hai ki aap exercise pehli baat hai. As people know that I'm like a fitness influencer, I'm like, you know, fitness people, inspiration people, बहुत जगह मुझे लोग मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन मुझे उनसे ये कहना है कि I'm not here to motivate to do exercise, because now people start knowing why it's important. Yeah. Why it's important. It's really important. Yeah.